दोस्तों इस बार लेके आया हूँ विंबलडन चैंपियनशिप। सेमीफाइनल होने जा रहा था और जो सेमीफाइनल एक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सेमीफाइनल शुरू हो गया है। जो फिलहाल वीडियो है वो सेमीफाइनल फर्स्ट टेरी डालेंगे है, जो सेमीफाइनल खेला गया है कार्लोस अल्कराज वर्सेस डैनियल मेडवेडेव। 2023 का सेमीफाइनल रिपीट था और 2024 का सेमीफाइनल में जो हुआ है वे भी रिपीट ही हुआ है, रिजल्ट भी रिपीट हुआ है। क्यों रिपीट हुआ है? पिछली बार मेडवेडेव को हराया था कार्लोस अल्कराज ने, इस बार भी हराया है। बट ये है कि रिजल्ट में थोड़ा मेडवेडेव की ओर से परेशानी खड़ी थी अल्कराज को, बट अल्कराज ने लास्ट में लगातार प्रदर्शन अच्छा किया। शुरू वाला सेट नहीं जीत पाए बट बाकी तीन सेट्स लगातार जीते हो, जिसके कारण वो फिनाले में लगातार पहुंचे हैं। अभी हाल ही में रॉलैंड गैरोस का फिनाले पहुंचे थे, जीते थे, और ये वाला फिनाले पहुंचते भी वो जीतने वाले बन सकते हैं। दोस्तों शानदार प्रदर्शन करे जा रहे हैं कार्लोस अल्कराज और मेडवेडेव के खिलाफ ये पाँचवा मैच जीत चुके हैं। इसके खिलाफ और वीडियो लेके आते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ लेके आए हूँ और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स पोस्ट मैच प्री मैच सारे ब्लॉग से रिगार्डिंग मिल सके। दोस्तों शुरुआत में देखा जाए सर्विस गेम पे दोनों होल्ड रखे थे, उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने सर्विस गेम होल्ड नहीं रख पाए और डैनियल मेडवेडेव ने सर्विस गेम ब्रेक की। उसके बाद अल्कराज ने सर्विस गेम ब्रेक बैक तुरंत की, मेडवेडेव ने तुरंत सर्विस गेम ब्रेक की, तो लगातार तीन सर्विस गेम ब्रेक हुई जिसमें दो बार अल्कराज की, एक बार डैनियल मेडवेडेव की। लास्ट में सर्विंग फॉर द सेट गए थे तब भी सर्विस गेम ब्रेक बैट की कार्लोस अल्कराज ने और 6-6 बराबर किया। उसके बाद आ गया टाई ब्रेकर में भाई शानदार प्रदर्शन रहा डैनियल मेडवेडेव का और 7-8 से टाई ब्रेकर जीते और सेट जीते 7-6 से। सेकेंड सेट की बात की जाए तो सेकेंड सेट में प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया चल रहे थे, इस बार अल्कराज ने प्रदर्शन बढ़िया किया। शुरू में 1-1 हुआ, फिर 2-1 हुआ, सर्विस गेम ब्रेक की मेडवेडेव की, 3-1 किया, अपनी सर्विस गेम पर होल्ड रखी रहे थे, 4-1 किया। मेडवेडेव को चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक जो कि नहीं हो पाया, जिसके चलते ये वाला सेट 6-3 से जीता। थर्ड सेट में भी शुरू में ही सर्विस गेम ब्रेक किया था, 1-1 हुआ, फिर अल्कराज ने एक बार सर्विस गेम ब्रेक की और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, जिसके चलते वो इस सेट में भी लीड कर रहे थे। मेडवेडेव को चाहिए था सर्विस गेम ब्रेक करना बट इस बार भी नहीं कर पाए, सेकंड सेट की तरह ओवर डैनियल मेडवेडेव ये वाला सेट हारे 6-4 से। अब फोर्थ सेट था मेडवेडेव के लिए जीतना बहुत अनिवार्य था और अल्कराज जीतते हैं तो वो मैच फिनिश कर देते हैं, इस बार जीते अल्कराज हैं। शुरुआत देखा जाए शुरुआत में ही भाई साहब काफ़ी बढ़िया देखने को मौका मिला, सर्विस गेम अल्कराज ने ब्रेक की थी, मेडवेडेव ने तुरंत ब्रेक बैक की, 1-1 हुआ, 2-2 हुआ, 3-3 हुआ। उसके बाद अल्कराज ने एक बार सर्विस गेम और ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और ये वाला सेट जीता। पहला सेट हारने के बावजूद, पहले सेट में इतनी बार डाउन थे फिर भी अच्छा कम्पीट किया, बट टाई ब्रेकर वन साइडेड रहा, मेडवेडेव ने अच्छा किया। उसके बाद अल्कराज का दबदबा रहा, काफ़ी ज़्यादा नेट पॉइंट्स भी जीते जिसके चलते ये मैच भी जीता, काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, सर्व एंड वॉली बहुत अच्छी की थी और नेट पॉइंट्स काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं। वो इस तरह खेलते रहे तो भाई विंबलडन का अगला फिनाले भी जीत सकते हैं, वैसे वो तो भी दूर की बात है, अभी सेमीफाइनल 2 आने वाला है, वो उसकी निजाहें होंगी। अगर मैं स्टैट्स की ओर बढ़ूंगी, जैसे हेड टू हेड में बताया 5 मैच जीत चुके हैं और सेकेंड 2 ही मैच जीते हैं डैनियल मेडवेडेव। मेडवेडेव को चाहिए होगा कि अल्कराज के खिलाफ और बढ़िया प्रदर्शन किया जाए। अगर मैं एसीज देखूं तो मेडवेडेव ने 5 एसीज लिए हैं, अल्कराज ने 6 एसीज लिए हैं। डबल फॉल्ट मेडवेडेव के बहुत ज़्यादा हैं, जिसके एक फैक्टर है क्योंकि सर्विस गेम कमजोर होने का, 6 डबल फॉल्ट दूसरे और अल्कराज के 2। ब्रेक पॉइंट्स देखा जाए 9 out of 15, 15 बार ब्रेक पॉइंट्स आया। देखा जाए अल्कराज ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया इस मामले की, ब्रेक पॉइंट लाए, 9 बार सेव भी किया बट 6 बार सेव नहीं कर पाए, 2 पहले सेट में और सेकंड सेट में 1 बार, थर्ड सेट में 1 बार और फोर्थ सेट में 2 बार, तो टोटल हो गया 6 बार। दूसरी ओर देखा जाए जब भी ब्रेक पॉइंट आता था मेडवेडेव ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट कर लेते थे, तो देखा जाए 3 बार कन्वर्ट किया बट वो काफ़ी नहीं हुआ, जिसके चलते मेडवेडेव ये वाला मैच हारे। अब चाह रहे होंगे मेडवेडेव की अगला जब फाइनल खेला जाए बढ़िया प्रदर्शन उसमें भी कंटिन्यू किया जाए, काफ़ी अच्छा खेल रहा है मेडवेडेव बट इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे कि वो फिनाले ग्रैंड स्लैम जीत पाए, होपफुली जल्द देखने को मिले और अल्कराज का प्रदर्शन इसी तरह रहे। फिलहाल दोस्तों दोनों का प्रदर्शन एक साथ तो रह नहीं सकता, तो एक ही प्लेयर जीते जो अल्कराज एकदम शानदार प्रदर्शन करके जीते हैं। क्या लगता है दोस्तों अल्कराज मेडवेडेव के बीच अगर मैच होता तो कैसा मैच होगा और अपना फिनाले कैसा खेलेंगे, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।